आज मैं जो है आपको लेथ मशीन में जो है फोर्जा चक में जो है जॉब को किस प्रकार से सेंटर किया जाता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। बहुत ही वो इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये फिटर का प्रैक्टिकल भी है फिटर ट्रेड में कि लेथ मशीन में जॉब को सेंटर में बांधना। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अगर आपका जॉब लेथ मशीन में सेंटर में बनेगा तो आपका जो है जॉब सही बनेगा। लेथ मशीन में फोर्जा चक में जॉब को सेंटर में बांधने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट भी हमको चाहिए, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये क्या है, ये चक्की है, इसको चक्की बोलते हैं। इसके माध्यम से क्या है कि जो चक है इनके जो ये गुटके हैं इनको आगे और पीछे मूवमेंट दी जा सकती है चक्के इसके चक्की के माध्यम से। ये आप सरफेस गेज देख रहे हैं, ये यूनिवर्सल सरफेस गेज है और फोर्जा चक में जो है सेंटर में बांधने के लिए इसका भी जो है उपयोग किया जाता है। तो देखेंगे कि किस प्रकार से हम बांधेंगे इसको इसके माध्यम से चक में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है यहाँ पर जो इसी गाइड वेज है इस पे जो है सरफेस गेज को जो है हम इसको फिक्स कर देंगे यहाँ पे। ये मैंने इसको फिक्स कर दे रहा थोड़ा ये। और हमारा जो जॉब है उसको हम जो है गुटकों के बीच में डालेंगे। डालने के बाद फिर हम की के माध्यम से क्या करेंगे इसको आगे फिट कर फिर आगे की ओर गुटकों को बढ़ाएंगे। एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, इसमें कुछ सर्किल दिख रहे हैं पूरे जो चक में आपके सर्किल बने हुए हैं 1 2 3 4। इन सर्किल के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं सेंटर में बांध सकते हैं। होता क्या है कि जो ये गुटके हैं चार, हमें जब भी कभी इनको हमें देखना होता है कि हम इन गुटकों की सेटिंग क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमारा गुटका इसकी इसको हम पहले क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको इसको हम जो है आप देखेंगे ये गुटका इससे क्या हो रहा है पीछे को आ रहा है देखिए। तो हम इनको क्या कर सकते हैं जो को सेंटर में बांधा है तो हम इन गुटकों को प्रत्येक को जैसे आप ये देख रहे हैं मैंने इसको क्या लिया पहले सर्किल की जगह दूसरे सर्किल पे सेट कर दिया, ऐसे इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ दूसरे सर्किल पे सेट कर दूंगा, ये इसको भी मैं क्या कर दूंगा दूसरे सर्किल पे सेट कर दूंगा, इसको पीछे खींचना पड़ेगा है ना दूसरे पे सेट करने के लिए। ये दूसरा दूसरे पे आ गया, ये भी दूसरे से हमें क्या पीछे खींचना पड़ेगा फिलहाल। तो हम इन सर्किल के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं जॉब को सेंटर में करने के लिए, ये भी बहुत ही उपयोगी होते हैं। ये सर्किल इसलिए दिए होते हैं ताकि हम क्या कर सके जॉब को सेंटर में कर सके। आप देख रहे हैं आप चारों गुटके क्या आ गए हैं बराबर उसमें आ गए है ना, लेकिन अभी आप देखोगे तो जॉब हमारा क्या है बहुत छोटा है। तो अब हम क्या करते हैं पहले सब इन सबको तीसरे पे लेके आ जाते हैं, जैसे मैं इसको भी क्या करता हूँ तीसरे पे लेके आ जाता हूँ क्योंकि मुझे लगेगा कि तीसरे पे जो है जैसे इसको मैं क्या कर लूं ये तीसरे पे आ गया, इसको भी क्या करते हैं एक चीज और बना सकते हो। अब आप देखेंगे कि ये क्या हो गया, ये तीनों जो गुटके तीसरे पे आ गए, लेकिन अगर अभी भी हम इसे जॉब लगा के देखेंगे तो हमारा जॉब क्या है अभी क्या है थोड़ा हम अगर ये लगाए हल्का सा छोटा है, हल्का सा फर्क पड़ रहा है ना सेंटर बांधने में। तो अब हमको सेंटर में क्या करना पड़ेगा, इसको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, अब हमको क्या करना पड़ेगा हल्का हल्का इनको मूवमेंट देने पड़ेगी, सिर्फ हल्की सी हम इसको देंगे हल्की सी इस वाले को देंगे उतना ही जितना इसको दिया, हल्का सा इसको देंगे और हल्का सा इसको देंगे। तो आप देख रहे हैं इससे इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपका जो 100% सेंटर में नहीं आता है लेकिन काफी सेंटर में हो जाता है। ये देखो अब हम इससे मतलब हमने इसका यूज भी नहीं करा है, सरफेस गेज का यूज करा नहीं फिर भी हमारा जॉब क्या गया सेंटर में बढ़ गया। हालांकि हम इसका यूज भी करके सेंटर में करते हैं लेकिन इन सर्किल के माध्यम से क्या होता है कि हम जल्दी से जल्दी जॉब के नियरेस्ट हो जाते हैं सेंटर में करने के लिए। अब हम इसको चेक कर लेंगे कि ये सेंटर में आया या नहीं आया, ये भी तो हमें क्या करना है चेक करना। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे सरफेस गेज को थोड़ा ये एडजस्ट कर लेते हैं है ना, अब हम देखेंगे ये सेंटर में क्योंकि ये इस पे स्टेप टर्निंग हो रखी है तो आप लोग देख रहे हैं स्टेप टर्निंग हो रखी, तो हम इसी को सेंटर में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे इसको सेंटर में आया या नहीं आया, या नहीं आया तो कितना आया, आप देखोगे तो लगभग लगभग क्या कह रहा है हल्का सा इधर फर्क पड़ा, ज्यादा फर्क नहीं है, है ना। तो हमको इसको भी सेंटर में करना है कि जो ये हल्का फर्क पड़ा है ये भी से फर्क ना पड़े,
तो इसके लिए अब हम देखेंगे ये गुटके क्या हैं, ये इन गुटकों में फर्क है, इन दो गुटकों में फर्क है। इसमें ये देखना है आपने, इधर देखो जी। इस वाले गुटके में की साइड से और इसकी गुटके की साइड से फर्क है, और ये दोनों गुटके चिपक रहे हैं, ये भी चिपक रहा है इधर वाला, और आप देखें तो ये भी क्या है, ये भी चिपक रहा है। अब इसका रूल क्या कहता है, जिधर हमारा चिपक रहा है उधर से हमने क्या करना है, प्रेस करना है, और जिधर हमारा ढीला है उधर से हल्का सा पीछे खींचना है, हल्का सा पीछे। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा जॉब जो है सेंटर में आने वाला है, तो हम इस हल्का सा क्या करेंगे, इसको हल्का सा पीछे, इसको हल्का सा पीछे, इसको, और इन वालों को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे अंदर को, और हमारा जॉब सेंटर में आ जाएगा। देखें कोई बात नहीं, वो अभी उसको हम एडजस्ट करेंगे, अभी हम उसको लगा के देखेंगे कहाँ पे जो है ये फर्क आ रहा है। यहाँ पे गैप दिख रहा है हल्का सा, इसका मतलब क्या है, इनको हमने हल्का सा पीछे खींचना है, क्योंकि तभी तो उधर से जॉब आएगा ना। हमने क्या करना है, इसको हल्का सा ढीला, और इसको भी हल्का सा ढीला। ये वाला हो टाइट, ये वाला ढीला, तो देख सकते हैं कि ये जॉब क्या हो गया है, सेंटर में हो गया है। तो इस प्रकार से हम जॉब को क्या कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, और फिर आराम से उसको टर्निंग कर सकते हैं। लेकिन तो भाई तो सेंटर करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, कि इन सर्किल के माध्यम से अगर आप सेंटर करेंगे तो आप जॉब को जल्दी सेंटर कर पाओगे, क्योंकि हम उससे क्या होता है, जॉब के नियर पहुंच जाते हैं, और फिर जब हमको फाइनल सेंटर करना होता है तब हमारा सरफेस गेज का यूज है। देखा आपने कैसे यूज करा, जहां पे गैप रहेगा उन गुटको, उन दो गुटको को हमने क्या करना है, हल्का सा पीछे खींचना है जितना गैप है, और उसके अपोजिट वाले गुटको को क्या करना है, आगे की ओर टाइट करना है। और सेंटर करते समय इस चीज का ध्यान रखना है आपने, आपका जो ये बटन क्या ऑफ होना चाहिए, और मेन स्विच भी आपका क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, क्योंकि और चक की हमेशा अगर इसमें इसमें फंसा, मतलब कहने का मतलब है कि मशीन आपकी न्यूट्रल पोजिशन में होनी चाहिए। गलती से भी अगर कोई आपका इसको स्टार्ट कर दे, और ये चक्की से आप सेंटर कर दे, किसी ने स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, चोट लग जाएगी, क्योंकि घूमेगा ना ऐसे करके, चोट लग जाएगी। तो आपने क्या करना है, मेन स्विच से वहां से ऑफ कर देना है, यहां से मशीन को क्या कर देना है, ऑफ कर देना है। तो इस प्रकार से हम फोर्जा चक में जॉब को क्या कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, और सेंटर में करना सभी को आना बहुत जरूरी है, तभी आप लेथ मशीन पे और ऑपरेशन कर सकते हैं।